अस्सलाम वालेकुम, मैं इस वक्त हूँ मेवात के एक गांव में जिसका नाम है कलंजर, जो कि नूह कस्बे के करीब में पड़ता है। और मुझे एक यहाँ एक मेरे भाई थे आरिफ भाई ने को कुछ प्रॉब्लम थी, उनके सर में भी प्रॉब्लम है, उनका एक बॉडी का पूरा हिस्सा पैरालाइज है। और मुझे उन्होंने वीडियो भेजी थी अपनी, कहा था कि मुशायद भाई मुझे एक ट्राइसिकल की ज़रूरत है, इलेक्ट्रिक ट्राइसिकल की ज़रूरत है। तो हमने उनको वादा किया था कि हम उनको ज़रूर एक ट्राइसिकल देने की कोशिश करेंगे। आज वो वादा हम पूरा कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हम उनको एक सरप्राइज़ देंगे। हमने बताया नहीं है कि आरिफ भाई को कि हम उनको क्या देने जा रहे हैं। अभी चलते हैं गाँव में और इंशाल्लाह उनसे मिलते हैं, उनको एक सरप्राइज़ देते हैं। क्या हाल है? खैर से भैया, ये हालत है मेरी, क्या खराब ये हालत है। मैंने आपसे बात करी, ये हालत है मेरी, एक उल्टा हाथ नहीं चलता, एक उल्टा पैर नहीं चलता। अच्छा, ये हालत है, चौथी साल चल रही है। 11 महीने की 8 तारीख को 4 साल हो जाएंगी पूरी जी, इसी चार पाई पे लेटे लेटे। अब बस ऐसे ही ऐसे लेटा रहता हूँ भैया, क्या करें। अल्लाह पाक बरकत नसीब फरमाए। तो ये कैसे हुआ था आरिफ भाई आपका? ये मेरे को औरों ने मार के डाला था झज्जर के जंगल में। तो ये सर पे क्या हुआ आपका? पूरी आधी आधी आपकी हड्डी नहीं है सर के? ये तो फोड़ के उन्होंने डाली थी वहाँ पे, जब उन्होंने सोच लिया अब तो मर गया, जब डाला था उन्होंने झज्जर के जंगल में। जब इन्होंने कार करते थे भाई आप? मैं गाड़ी चला रहा था पहले, गाड़ी मैं गाड़ी चलाने से पहले मदरसा में पढ़ता था यूपी। कितने उम्र आपके आरिफ भाई? 32 साल। क्या करे भाई? तो आपकी वाइफ वगैरह कहाँ पे? वो डोल रही अपने भटकती हुई कहीं पे भी, उसकी कोई परवाह नहीं। हम एक मेरी छोटी ये लड़की है, छोटी हाँ आज बेटी, वो बड़ी है पल्ली तरफ खड़ी है, ये मेरी छोटी है। एक इसका भाई है छोटा, वो मदरसा में पढ़ रहा है, इससे बड़ा वाजिद नाम है उसका, इसका वाजिदा। अच्छा। और एक लड़का पढ़ रहा, दोनों लड़के वहाँ पढ़ रहे हैं। नहीं तो जो भाई है वो देखते हैं आपको? नहीं देखते, बस अलग अलग अपने कमाने में देख लगे रहते हैं। किसका है? ये बड़ा भाई का है। तो तुम्हें 4 साल से कहीं जाते आते नहीं? नहीं भैया, ऐसे चार पाई में लेटा रहता हूँ। ये कुर्सी है, यहाँ पर रख देते हैं इसको, ताश में मिट्टी रख के, और रस्से को एक हाथ से पकड़ता हूँ, और जब उठा के मेरे को इस पे बिठाते हैं जंगल होता हूँ। जिंदगी ऐसे ही कट रही है 4 साल से। क्या करे भैया, ऐसे ही जा रही है। मेरे बारे में किसने बताया था आपको? आपको यकीन था कि मैं आ जाऊँगा? नंबर दिया था एक ने आपका, उस जब से मिलाना चालू है भैया। यकीन था आपको मैं आ जाऊँगा इतनी दूर, दिल्ली से 200 किलोमीटर दूर? भाई अल्लाह पाक से दुआ भी करता था। फाइनली हम मेवात के इलाके में आ चुके हैं। मेवात का नूह कस्बा है, उसका ये गांव है कलंजर गांव है, जैसे हमने बताया था आरिफ भाई के बारे में। आरिफ भाई पिछले तकरीबन 4.5 साल से बेड रेस्ट पर हैं। इनके ऊपर अटैक हुआ था, एक फैमिली अटैक बोल सकते हैं उसको, इनके मिलने वालों ने इनके ऊपर जानलेवा हमला किया था। और जब ये इस कंडीशन में थे कि उनको लगा कि मर गए हैं तो उनको छोड़ के चले गए। इनका ये जो पार्ट है आप देख सकते हैं, पार्ट बिल्कुल आधा सर नहीं है इनका, और ये पूरा एक बॉडी पैरालाइज हो चुकी है इनकी। और वाइफ है, वाइफ भी छोड़ के जा चुकी है। और कितने बच्चे हैं जी? 4 बच्चे हैं, दो लड़के हैं, घर में कमाने वाला कोई नहीं है। तो फिर आपने वो बोला था गाड़ी वाड़ी का क्या बोला था आपने? वो रिक्शे की। कौन सी रिक्शा? वो चार्जिंग का, जो एक हाथ से चल जाता है। अच्छा, वो एक हाथ तो अल्लाह पाक ने चला रखा है। उसकी कही थी भैया। वो कहाँ देखा था आपने? तो वो तो करीबन 40,000 रुपए का आता है भाई। 40,000 की जी? उन्होंने देख के बताया नहीं था, उसके लिए तो दोनों हाथ चाहिए। भाई वो तो 40,000 रुपए का है आरिफ भाई। 40,000 रुपए कैसे इकट्ठे होंगे? 40,000 कौन देगा? हम तो तुम्हारे से मिलने आए थे बस देखने के लिए। अल्लाह पाक ने तुम्हारे गांव में भी देखा, तुम्हारे गांव में कोई ले रहा था अभी एक लड़का।
कोई तुम्हारे गांव में लेके आया है नया? अब तुम हमें बता दे तो हम लेके आते रिक्शा। अरे बुलाओ जिसका है वो बेचेगा से भाई। बैठ के देखो, कट दो इसे। चलवा के दिखाओ इनको भाई, ये चलेगी क्या नींद पे? अभी हमने बताया नहीं आरिफ भाई को कि ये जो गाड़ी है मुनी के लिए लाए हैं, लेकिन एक सरप्राइज़ दे रहे हैं उनको इंशाल्लाह। देखते हैं उनकी खुशी का क्या ठिकाना रहता है। हमने ली थी दिल्ली से तकरीबन 40,000 रुपये की गाड़ी है। और क्या कह रहे हो भाई? मैं कह रहा हूँ अल्लाह पाक ने दूसरा जन्म दिया है भाई। आगे पूरा गाँव कहता था आरिफ नहीं बचेगा, अल्लाह पाक ने बचाया है, जन्म दिया है। जब क्या कर रहे हो? अल्लाह पाक मदद कर दे तो हाथ जोड़, अल्लाह पाक से हाथ जोड़ के रहा, अल्लाह दया कर ले तो भैया। इस रिक्शे को लेना चाह रहे तो अल्लाह पाक दिवा दे तो अपने ले लेंगे भैया। यही खरीदोगे हमसे? हाँ भैया, हो जाए तो मदद अल्लाह पाक की तरफ से दिवा दो भैया। अच्छा, ये 40,000 रुपए की है ये भैया? हाँ अल्लाह पाक, मैं तुम्हें 1,000 रुपए की दूंगा। 1,000 रुपए है भाई, मांग के किसी से दे दूंगा। ले लूंगा किसी से कोई तगादा करके। अल्लाह पाक उसको देता है 1 के 70। अच्छा, ये रिक्शा अगर तुम्हें मिल जाएगा तुम कितने खुश होगे आरिफ भाई, बताओ? तो अल्लाह पाक से लो लगा के रखूंगा, मस्जिद तक पहुंच ले करूंगा धीरे धीरे। चलो आज से ये रिक्शा तुम्हारी, आपकी रिक्शा है आज से बाद में। चलो अल्लाह पाक। अरे भाई ये रिक्शा आपके लिए लाए थे हम। चलो अल्लाह पाक आसान फरमाए, अल्लाह पाक देख रहा है भैया आपको भी और मुझे भी। खुश हो ना, हंस के तो दिखाओ। रोते रोते 4 साल हो गया, अब हंस के दिखाओ ना। हंसते तो 4 साल हो गए ना रोते रोते। इनकी माँ कहाँ है? हो रही ना भैया। ये खुश हो, ये रिक्शा हमने इनको दे दिया। बहुत अच्छी बात है बेटा, अल्लाह हर कार में कमीर में उम्र में बरकत करे, अल्लाह तमलो और खर्च करना की तौफीक अदा फरमा। अल्लाह बहुत अरे भाई। हाँ मेरे भाई, ये 10,000 रुपए आपके इलाज के लिए। चलो अल्लाह पाक आसान फरमाए आपको। चलो खुश ना अरे भाई, खुश हो ना, ईमानदारी से बहुत खुश हो ना। चलो खुश रहो अरे भाई, ठीक है ना। अल्लाह किसी ना किसी बहाने से भेजता है, और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ऐसे लोगों की मदद किया करो, ऐसे लोगों को आपकी मदद की जरूरत है, खिदमत करो ऐसे लोगों की दुआ लो, ऐसे लोगों की दुआ हमेशा कबूल होती है। आप चाहते हैं कि हमारा खिदमत का सिलसिला ऐसे ही चलता रहे तो हमें सपोर्ट कीजिए। आज आरिफ खुश है कि कम से कम ये गाँव में घूम सकता है, इनके चचा है, इनकी माँ है, तमाम ये लोग हैं, ये बहुत खुश हैं कि कम से कम आरिफ चल जाएगा। दुआ लो ऐसे लोगों की, दुआ सातो ज़मीन और सातो आसमान को चीरती हुई जाती है, हमेशा कबूल होती है। YouTube चैनल को, Facebook को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच आरिफ भाई। ठीक है आरिफ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं चलता हूँ अब। ये आज से ये रिक्शा तुम्हारा मेरे भाई, ठीक है ना? अपना इलाज को रखिए। ठीक है जी, कार में कम बरकत कर।